क्या यहाँ बाकी अनपढ़ बच्चे बैठे या इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर से क्या वो इनके एग्जाम पेपर चेक नहीं कर सकते? वाई एपटेक? नो एपटेक फॉर जेएनके। अगर कोर्ट ने ऑलरेडी एपटेक को बैन किया हुआ है तो ये लोग कैसे कोर्ट से ऊपर जा रहे हैं? नहीं, जब वही तो हम भी बोल रहे हैं, जब इनको पता है बाहर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नो एपटेक, एपटेक कैन नॉट कंडक्ट एनी एग्जाम, तो कश्मीर में कैसे एपटेक को लाया? क्या ये चाह रहे थे कि जो वहाँ बाहर स्कैम्स कर रहे हैं यहाँ के बच्चों के साथ भी वही स्कैमिंग हो जाए? क्या इनका फ्यूचर खराब करना चाह रहे हैं? हम लोग ये फ्यूचर इनका खराब नहीं होने देंगे, ये इनको डिसीजन वापस लेना है। एपटेक, एपटेक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। नहीं, जो ही हमें पता चला स्पेशली परसों, इमीडिएटली हम लोग डिबेट्स में बैठे और इमीडिएटली ये बोले कि नहीं, एपटेक यहाँ नहीं एक्सेप्ट करा किया जाएगा, और तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक एपटेक को वापस ना भेजा जाए। यहाँ के बच्चे एपटेक के अंडर एग्जाम नहीं दे, बस दैट्स इट, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट एपटेक। फ्रॉड कंपनी को प्रमोट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन होश में हो, होश में हो, होश में हो, कहीं ना कहीं उनकी अपनी बीजेपी की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है एपटेक की क्रेडिबिलिटी से खराब हो रही है। तो अगर भाजपा को अपनी भी क्रेडिबिलिटी का कोई एहसास नहीं है ना हो, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों का तो एहसास होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के बच्चों का, उनके फ्यूचर का हमें जोर बचाएंगे, हमें थकना नहीं है, हम लोग यहाँ एपटेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट्स इट। जी जी मैम जी। तो जम्मू और कश्मीर जमा नहीं, जमा यही कीजिए आप। तो जम्मू और कश्मीर, प्लीज, जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, बार बार हमारे बच्चों पे, जब हमारे बच्चे सवाल करते हैं, उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको सताया जाता है। मुझे ये बताइए, क्या हमारे बच्चे जो हैं, क्या ये रेपिस्ट हैं, क्या ये मर्डरर्स हैं? इन पे आप लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? मैम, इस आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मसला है ये सब्जुडाइज है, और सब्जुडाइज होने के बजाय आपका सब्जुडिस मसला जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास, क्या ये मसला नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स में बैन हो चुकी है? क्या ये एक फैक्ट नहीं है कि लद्दाख में इस एपटेक पे एफआईआर लग चुका है? जब आपके पास एविडेंस हाथ में है, जो एविडेंस जो है हद से ज्यादा है, तो क्या हमारे देश में कोई कंपनी ही नहीं बची है? क्या आप सिर्फ उसी कंपनी को लगा रहे हैं जिस कंपनी के पास 50 से ऊपर 50 केसेस लगे हैं फ्रॉड के? एसएसबी ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 16 से इनके बच्चों के एग्जाम करवाने हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में सिर्फ एक ही जवाब है, नो एपटेक इन जम्मू एंड कश्मीर, एब्सोल्युटली नो एपटेक इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे बच्चों का फ्यूचर मजाक नहीं है, आप उठा के मजाक कर लोगे इनके फ्यूचर के साथ? हमारे बच्चों की जिंदगी आप कोई तमाशा नहीं है, ये कोई गुड़ियाएं नहीं है, आप उठा के इनकी जिंदगियों के साथ खेलोगे? कोई एपटेक जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेगा, जिस तरह बाकी स्टेट में बैन हुआ है यहाँ पे भी बैन होगा। हमारे देश में इतनी कंपनियां हैं, किसी कंपनी को ले आइए, इस फ्रॉड कंपनी को बार बार क्यों लाते हैं? ये क्या साजिश चल रही है? क्या ये फ्रॉड कंपनी रिश्वत देती है, क्या करती है, कैसे इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोसीजर क्या है, कैसे मिला और अभी तक कैसे मिल रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी भी हमें चाहिए। मैम, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बच्चों के साथ जुडिशरी के हिसाब से भी हेल्प करने के लिए तैयार है? देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों के साथ खड़ी है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट की साइड पे आए हैं, इनके साथ साफ साफ तौर पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह हर तरह से उनके साथ खड़े होंगे, जिस भी तरह से उनको हमारी मदद।